मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्या मामले के एक गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा हुई है। 2005 नवंबर में कृष्णानंद राय की हत्या होती है, उसके मूल केस में बरी हो जाता है मुख्तार अंसारी। लेकिन कृष्णानंद राय की हत्या के पहले की जो एक प्लानिंग थी, जिसका खुलासा तब के एसटीएफ के डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने किया था, और वो भी तब जब मुख्तार अंसारी ने एक आर्मी मैन से एक एलएमजी मंगवाया था, उससे एक एलएमजी उसने मंगाई थी और उसका मकसद था कृष्णानंद राय की हत्या करना। शैलेंद्र सिंह को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी क्योंकि इन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ न सिर्फ पोटा लगाया था बल्कि लड़ाई लड़ी थी। राजनीतिक लड़ाई ऐसी हुई कि इन्हें अपने वसूल और नौकरी में से एक चीज चुनना पड़ा, तो इन्होंने अपने वसूल को चुना। इस वक्त हमारे साथ खुद शैलेंद्र सिंह हैं। शैलेंद्र जी, आपकी नौकरी तो उस वक्त चली गई, बिल्कुल नई नई नौकरी रही होगी जब आपने डीएसपी के पद से आपको छोड़ना पड़ा। कल मुख्तार अंसारी को सजा हुई है कृष्णानंद राय के उस मामले में, आपकी स्मृतियां हैं कुछ? नहीं, बात सही है, पुरानी स्मृतियां एकदम ताजा हो गई हैं और मुझे अच्छी तरह याद है कि कृष्णानंद राय के और मुख्तार के बीच में क्रॉस फायरिंग यहीं लखनऊ के कैंट क्षेत्र में हुई थी और तत्कालीन उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, इन्हीं लोग के निर्देश पर शासन प्रशासन के, और ये तय हुआ कि एसटीएफ इन लोग की सख्त निगरानी करें क्योंकि लखनऊ में अगर इस तरह से गैंगवार हो रहा है, और विशेष रूप से दोनों पूर्वांचल के थे, जानी दुश्मन थे एक दूसरे के जैसा बताया जाता था, तो पूर्वांचल में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसी क्रम में हुआ कि नहीं, एसटीएफ इसकी निगरानी करे, और एसटीएफ में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई क्योंकि मैं बनारस में एज ए सीओ पोस्टेड था, चंदौली का रहने वाला था। तो ये हुआ कि शैलेंद्र, तुम पूर्वांचल को अच्छी तरह समझते हो और तुम इसको निगरानी करो, पूरी यूनिट को, जिससे हादसा ना हो। निगरानी के क्रम में ही जब इनके फ़ोन हम लोग सुन रहे थे, तो एक फ़ोन पे मुख्तार किसी सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव से बात कर रहा था और कह रहा था वो बाबूलाल कि मेरे पास लाइट मशीन गन सेना की है जो मैं चुरा के लाया हूँ, जम्मू कश्मीर की वो आरआर राइफल यूनिट जो होती है, राष्ट्रीय राइफल यूनिट, उससे लेके आया हूँ। और फाइनली ये सौदा लगभग 1 करोड़ में डील इनका फाइनल हुआ। मुख्तार उसी समय जब अपने लोगों से बात करता था तो बार बार कहता था कि ये लाइट मशीन गन हमको किसी भी कीमत पे चाहिए, और कारण बताता था कि उनकी कृष्णानंद की जो गाड़ी बुलेट प्रूफ है वो राइफल के अगेंस्ट है और ये लाइट मशीन गन अगर हम मिल जाए तो उसको भेद देगी और हम उसको मार देंगे। अब इस कंडीशन में जब ये बात सब सामने आई तो मैंने अपने एसएसपी जो उस समय श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी थे तत्कालीन और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि शैलेंद्र, अगर ये लाइट मशीन गन मुख्तार के पास चली गई तो वहाँ से रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है उसका जो फाटक बोला जाता है घर मोहम्मदाबाद गाजीपुर में, वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे अंदर जाना मुश्किल है, उसके लोग हैं, जब तक आप गए तब तक पता नहीं कहाँ वो छिपा देगा, क्या कर देगा। तो फाइनली तय हुआ कि उसके पास डील होने से पहले इसको रिकवर करना, और डील होने में बस कुछ ही घंटों की बात थी कि 24 घंटे के अंदर ये डील होना। अगले दिन उसने रखा था कि तुम आओ हमारे फाटक पे घर पे और हम वहीं सब कुछ फाइनल पेमेंट वेंट करेंगे तुमको। अब तत्काल हम लोग को रश करना पड़ा, ये बाबूलाल यादव चंदौली में था, फिर इसको उठाया, फिर इसने बताया कि लाइट मशीन गन जो है हमारे सगे मामा जो हैं मुन्नर यादव उनके घर पे है और वो एक्स गनर मुख्तार के रह चुके थे, अभी भी संपर्क में थे, और उसके लिए फिर हम लोग गए वहाँ पर चौबेपुर थाना क्षेत्र में जो बनारस का था वहाँ का रहने वाला था, और वहाँ से लाइट मशीन गन रिकवर किया। लाइट मशीन गन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? मैं बताया ना कि मुख्तार अंसारी अपने लोगों से जब बात करता था तो कहता था कि कृष्णानंद को मुझे हटाना है, उसका रीजन यह था कि कृष्णानंद ने पहली बार इसके क्षेत्र में चुनौती दी, विधानसभा चुनाव जीते, जो इसका घर के खानदान के लोग जीतते आते थे, तो इसको लगा कि मेरे क्षेत्र में कोई मुझे चुनौती दे रहा है तो उसको खत्म करना है, और कृष्णानंद अक्सर बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, तो इसके सामने समस्या थी कि राइफल या AK-47 से उसको नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन लाइट मशीन गन होती जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, 3 आदमी चलाते हैं इसको,
तो उससे वो उसका काम आसान हो जाता और उनको जब चाहता तब मार सकता था। तो इसलिए इसको लाइट मशीन गन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी और अपने लोगों से कहता था करोड़ नहीं 2 करोड़ जितना लगे इसको लेना है मुझे, और उसको ये भी कहता था विरोधी के पास डर होता था कहीं ऐसा ना हो वो डबल गेम खेले ले जाके विरोधी को भेज दें, तो कहता था विरोधी के पास भी नहीं जाना चाहिए। तो आप ये सब आपने सुना था? बिल्कुल हाँ, ये सब रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे तो हम लोग सुनते थे और डे टू डे पूरा डिस्कस होता था अपने सीनियर अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा जी जो SSP STF थे। तो फाइनली जब हम लोगों ने रिकवर किया और चैबरपुर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत रिकवरी हुई तो मुकदमा भी वहीं लिखा जाता, मैं वादी के रूप में एक FI जो होता है ना उसमें देना, तो मैंने अपना एप्लीकेशन दिया थाने पे और उसके बाद वहाँ पे संबंधित धाराओं में लगा। आपको याद होगा उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था कानून, पोटा बहुत हीनियस क्राइम में यूज़ होता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के अगेंस्ट जो होता है, और सेना की ये लाइट मशीन गन थी और सेंसिटिव हो गया था मामला, तो वहाँ पे पोटा कानून लगा। जैसे पता चला मीडिया के माध्यम से मुख्तार अंसारी को कि हमारे पर पोटा लग गया है, पहले ये सोच रहा था कि सिंपल आर्म्स एक्ट की रिकवरी है तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि चलो इससे तो हम बच जाएंगे, हमसे नहीं रिकवरी हुई है उन सबों के पास रिकवरी हुई है और मैं बच जाऊँगा। लेकिन जब पोटा इसको लगा कि पोटा लग गया तो बात करने वाला भी उतने दोषी हो गया और सजाएं बढ़ जाती हैं, अब इसकी मुसीबत शुरू हो गई। तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव जी की आपको याद होगा अल्पमत की सरकार होती थी, मायावती जी की सरकार तोड़ के बनी थी और इसने दबाव बनाया वहाँ। ये इंडिपेंडेंट MLA हाँ, ये इंडिपेंडेंट था और इसके जैसे कुछ और इंडिपेंडेंट MLA थे जिनको ये अपना तोड़ के ले आया था और उनको सपोर्ट दे रहा था। वो हमको बातचीत के दौरान जब शासन से लोगों के निर्देश आते थे तो कहा जाता था कि भाई मुख्तार बहुत इंपॉर्टेंट है मुलायम सिंह जी के लिए क्योंकि उनकी सरकार संभाल रहा, समर्थन दे रहा है और आप उसी को कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये आपने अभी बताया पोटा को लेकर के, और तो ये पोटा के बाद भी इस मुख्तार पर जो ये केस थे, ये मामले थे, हट भी गया, मुख्तार बरी भी हो गए? हाँ बात सही है, जो मैं बात कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि पोटा लगे और नाराजगी इतनी उनकी बढ़ गई थी कि तत्कालीन SSP जो राजकुमार विश्वकर्मा जी थे उनका रातों रात ट्रांसफ़र, बनारस जोन के IG मनोज कुमार सिंह साहब थे उनका ट्रांसफ़र, वाराणसी रेंज के DIG SK यादव थे उनका ट्रांसफ़र, और सबको ट्रांसफ़र करके और प्लस बनारस की जो STF यूनिट थी क्लोज करके हमको लखनऊ बुला लिया गया और एक मैसेज दिया गया कि इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है और मुख्तार को बचाना ही बचाना है। और इधर मैं अड़ा हुआ था कि मैं कुछ FIR जैसे बदलना चाहें लोग तो नहीं बदलने दे रहा था, लोगों ने कहा इन्वेस्टिगेशन में आप नाम नहीं लीजिएगा, तो मैंने कहा वो भी लेंगा क्योंकि मैंने पहली लाइन में नाम उसका लिखाया है FIR में, तो मैं अपने बयान से क्यों मुकरूंगा, क्या नहीं माना जाएगा कि मैं प्रलोभन में मुकर गया या किसी दबाव में मुकर गया? तो मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ, न कि गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी का सर्वेंट हूँ, तो मैं अपना जो है ड्यूटी उसको पूरा करूँगा। गवर्नमेंट भी हमको गलत आदेश दे रही तो मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो अब यहाँ तक जब बात अड़ गई थी तो फाइनली ये हुआ कि भाई अब मुझसे न कोई बात करे न कुछ करे, हमारी टीम पे लगातार समझाने के नाम पे या हमारे लोगों को हमें समझाने के नाम पे कि भाई अभी आपकी 10 साल की भी सर्विस नहीं है, पूरी सर्विस पड़ी हुई है, आपके भी परिवार है, बच्चे हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए इस तरह से, माफियाँ हैं, आप समझते नहीं उनकी ताकत, वो भी जब सत्ता साथ हो, तो इस नाम से इस तरह से समझाया जाता था कि प्रैक्टिकल होके सोचिए इसको। और मेरे पता नहीं क्यों मन में अड़ा हुआ था कि नहीं, मैं आज तक नहीं समझौता किया, मैं जो भी सर्विस मैंने 10 साल में किया वो एकदम ईमानदारी से किया, अपने ड्यूटी को निभाया, सभी लोग जानते थे जो इस तरह थे। और मैंने अपने अधिकारियों से भी कहा, हमने कहा सब आप मेरे बारे में जानते हैं और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, मैं अपने कई बड़े बड़े केसेस में जो सीधे मुख्यमंत्री जी तक इन्वॉल्व है मैं समझौता नहीं किया हूँ, और उन लोगों ने मेरा रिगार्ड किया कि नहीं ठीक है ये सही काम कर रहा है जल्दी। तो कल्याण सिंह के समय में ऐसे ही फंसा, राजनाथ जी के समय में भी फंसा था, तो लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है वो सही लड़का है उसको दबाव नहीं बनाओ। तो आप लोग मेरी इमेज जानते हैं और मैं ये सब काम नहीं करूँगा, लेकिन इधर इन लोग मान बैठे थे कि नहीं अब करना है। और अंत में 15 घटना जो रिकवरी हुई उसके 15 दिन बाद मैंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन किया और रेजिग्नेशन में साफ साफ लिखा मैंने कि ऐसी सरकार के में काम करना हमारे लिए संभव नहीं है जहां माफिया निर्णय ले रहे हों और सरकार केवल मुहर लगा रही है। निर्णय तो मुख्तार ले रहा था कि कैसे क्या करना है और इन लोग बस मुहर लगा रहे थे,
और आपने देखा होगा 2 साल बाद लगभग जब मऊ में दंगा हुआ 2005 में, वो किस तरह से काम करता था, खुली जीप में मूछ ऐंठते हुए और घूम रहा था दंगाइयों के बीच में, सबके बीच में, और पूरा पुलिस प्रशासन मौन होके देख रहा था, खड़ा होके किनारे, मूक दर्शक एकदम। लेकिन अब जब सजा पर सजा हो रही है, तब कैसा क्या देख रहे हैं? नहीं, बात सही है। देखिए, जब आज का युग है, अभी इसके पहले न मुख्तार पे कोई सजा हो रही थी और न ही अतीक पर हो रही थी। अतीक को भी 44 साल बाद, उसके मरने के 44 साल जस्ट पहले सजा हुई थी, जो 44 साल बाद हुई थी, और मुख्तार पे भी नहीं हो रही थी। इसी कृष्णानंद राय में जो गवाह थे, वो कितने गवाह मार दिए गए। इसके पहले के भी जो मऊ का कोई मन्ना सिंह केस था, उसमें भी गवाह मारे गए। तमाम ऐसे अन्य केसेस थे जो सब गवाह मार दिए जाते थे, या धमकाया जाता था, बयान बदल देते थे, हॉस्टाइल हो जाते थे, तो न्यायालय में आ ही नहीं पाते थे बयान देने के लिए। और न्यायालय सबूत के आधार पर काम करता है, गवाही के आधार पर काम करता है। लेकिन जब वर्तमान सरकार बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू से ये स्पष्ट संदेश दिया कि यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी माफियाओं के खिलाफ, और उन उनके इस आदेश के बाद पूरे पुलिस का हौसला बुलंद हुआ। आज आप देख रहे हैं, अपराधी एनकाउंटर मारे जा रहे हैं या सलाखों के पीछे हैं, एक तरह से जान की भीख मांग रहे हैं। इसी मुख्तार अंसारी को 2 साल पहले पंजाब से घसीट के लाया गया, व्हील चेयर पर किस तरह से आया आपने देखा। तो निज़ाम बदला है, सख्ती हुई है, पुलिस का हौसला बढ़ा, जनता को भी भरोसा हुआ कि नहीं, हम बयान देंगे तो अब हम सुरक्षित हैं। इसी गैंगस्टर एक्ट में, जिसमें कल सजा हुई है, मुख्तार खिलाफ 10 लोगों ने गवाही दी, 7 लोगों ने उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ दिए गवाही। तो निज़ाम बदलने के बाद सबको ये संदेश चला गया है कि अब अपराधियों की नहीं चलेगी। और मुख्यमंत्री जी ने तो, आपने देखा होगा, सदन में खुल के कहा कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो एक सवाल ये है कि फोटा लगा उस पर, उसी मामले में फोटा हटा आपने, करीब जनवरी 2004 में वो एलएमजी रिकवर की थी, और आपको उस वक्त भी मालूम था कि ये कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मंगाई जा रही है, और अल्टीमेटली हत्या होती है, करीब करीब 2 साल से थोड़ा पहले उसकी हत्या हो जाती है। तो क्या मतलब पोटा हटाने के बाद दोबारा से उसकी हत्या हो जाना, ये मतलब इतनी प्लानिंग, इतने पहले से प्लान, और उसको सचमुच उसको मार दिया जाना, जबकि आपने 2 साल पहले आप लोगों ने सुन लिया था। हाँ, बात सही है। देखिए, एक तरह से मुख्तार का हौसला बुलंद हुआ है जब मैंने लाइट मशीन गन पकड़ी और पोटा लगाया, और उससे वो बरी होता है तो वो क्या समझेगा कि शासन मेरे साथ है, सरकार मेरे साथ है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, संयम है कोतवाल अब डर कहेगा। तो अब उसका हौसला इतना बढ़ गया, और वो सब देखते देखते अंत में 2 साल भी नहीं बीता और उसने कृष्णानंद राय के और उनके साथी जो लोग थे, 7 लोगों की हत्या किस बुरे दर्दनाक तरीके से की, निशंत तरीके से, 60-70 गोलियां अकेले कृष्णानंद राय के अंदर मिली। कहीं ऑडियो टेप में आया कि उसकी चुटिया काट के लोगों ने ये बताया किसी दूसरे माफिया को कि देखो चुटिया काट ली। तो ये सब जो खुला खेल होता है, बिना सत्ता के संरक्षण के माफिया नहीं कर सकता। माफिया को माफिया बनाने वाले यही सरकार और शासन प्रशासन में बैठे लोगों का शय होता है। हम तो जहाँ थे वहाँ 3 थाना क्षेत्र या 4 थाना क्षेत्र अंडर था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि पत्ता हिला ले। और मैं कहता भी था कि पुलिस चाह ले तो पत्ता नहीं हट सकता, लेकिन पुलिस को काम तो करने दीजिए। काम नहीं करने देंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे, उनके भी परिवार हैं उनको धमकाना शुरू कर देंगे, तो वो भी आदमी है कहीं ना कहीं सोचता है कि जाने दो, छोड़ो, कौन पंगा ले इनसे। अब पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है। आपको लगता है कि वो दौर जो आपने झेला, 10 साल की नौकरी के बाद आपको रिजाइन करना पड़ा, और अब जो दौर है, इसमें मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर हो? हाँ बिल्कुल, आप देखे होंगे कि अंतर न होता तो गैंगस्टर एक्ट पहले भी था, और गैंगस्टर एक्ट में अब कितना इफेक्टिवली कार्रवाई हो रही है। इनकी, अतीक की, मुख्तार की सबकी संपत्तियां 100 करोड़ जब्त हुई हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ। और गैंगस्टर एक्ट में कोई आपको कोर्ट में भी नहीं जाके, कहीं से जुडिशियल कोर्ट में जाके आदेश लेना है। वहाँ क्या होता, जुडिशियल कोर्ट में गए तो वकील साहब है, उसके मिले हुए कोई ना कोई बहाना बना के स्ट्राइक करा देंगे, कुछ करा देंगे, बैठने ही नहीं देंगे, निर्णय नहीं होने देंगे, ऐसे डिले करते हैं लोग, एक टैक्टिस होती है। लेकिन गैंगस्टर एक्ट में केवल एक सिंपल प्रशासनिक आदेश डीएम का होता है और पूरी संपत्ति जब्त हो जाती है। आज तक इस गैंगस्टर एक्ट का पहले तो नहीं कार्रवाई की सपा बसपा सरकार में, और योगी जी ने उसको बहुत सफल तरीके से उसका यूज किया। मैं अपने सर्विस में था, गैंगस्टर एक्ट का ऐसे ही खुल के इस्तेमाल करता था, और बड़े बड़े यही बाराबंकी में मैं तैनात था, बड़े बड़े माफियाओं को, हेरोइन जो बनाते थे उनको मैं खत्म कर दिया था। तो इसकी जब
आप शासन प्रशासन अगर सख्त हो जाए, चाह ले तो सब कुछ संभव है। गंगा की धारा ऊपर से नीचे बहती है। नहीं, लेकिन आपको इस बात का तो मलाल होगा ना कि गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा हो गई, लेकिन पोटा लगने के बाद भी वो आदमी बरी हो गया। बिल्कुल मलाल बहुत है मुझे कि जो आदमी जेल के सलाखों के पीछे और उसको एज ए टेररिस्ट डील मतलब ट्रीट करना चाहिए था, वो आदमी खुलेआम घूम रहा है और जिप्सी पे घूम के दंगे करा रहा है। मलाल तो था ही। कल मुझे जब उसको सजा हुई तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि देर से ही सही लेकिन एक फैसला आया जिसमें कि सुकून मिला। हम और हम जैसे सोच रखने वाले, कोई ऐसा नहीं कि हमारी जैसे सोच रखने वाले प्रशासन में नहीं है या जनता में नहीं है, सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना है, बड़ी मुश्किल से हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जहां सब लोग अपना कायदे से काम कर सकते हैं, तो हर कोई चाहता है विकास करना। इसी बनारस में मैं एसटीएफ दौरान जब तैनात था तो इन माफियाओं के डर से, खासकर मुख्तार के डर से, क्योंकि उसका मुन्ना बजरंगी शूटर था जो खुलेआम उस समय घूमता था, बड़े बड़े व्यापारी अपने बच्चों की शादी बनारस में नहीं करते थे, बाहर जाके करते थे। और तारीख पूछता था रीज़न क्या है, तो कह साहब हम लोग जो खर्च करेंगे तो यहाँ तुरंत निगाह में इनके आ जाएंगे और फिर हमसे वसूली के लिए धमकी आने लगेगी। डॉक्टर्स अपने इस नर्सिंग होम के बाहर पेंट नहीं कराते थे, प्लास्टर तक नहीं कहीं नहीं करा रखा था, ऐसे ही दिखाते थे खंडहर सा है जिससे कि हम निगाह में ना आए इनके। तो वो माहौल मैंने देखा और आज माहौल है कि अब इन लोगों को सजा हो रही, संपत्ति जब्त हो रही, तो हम और हमारी तरह सोच रखने वालों को तो खुशी होगी। पोटा के हटने से अब कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको लगता है कि पोटा भले ही हट गया लेकिन इनको सजा तो हुई? देखिए टेक्निकली पोटा इन्होंने हटाया था, लेकिन अगर उसको कोर्ट में आज भी चैलेंज किया जाए, कोर्ट एविडेंस के आधार पर काम करता है। हम केवल दो चीजें कहते हैं, एक तो उस टेप को सुन लिया जाए फिर से और केस डायरी में वो हूबहू लिखा हुआ है। क्राइम मोटिव के आधार पे होता है, बार बार कह रहा है कि विरोधी के पास न जाए, हम निपटा देंगे और ये सब है, ये सब ऑडियो में है, सब ऑडियो में है। तो ये अगर फिर ऑडियो कहाँ है इसमें? अब स्वाभाविक है एसटीएफ या न्यायालय में होगा, अब इन लोग जाने, मैं तो 19 साल हो गया मुझे पता नहीं है, लेकिन केस डायरी में ये सब दर्ज हुआ था पूरा होगा। उस समय जब केस चला था तो न्यायालय में हम गवाही के लिए जाते थे तो मैंने देखा था वहां पे। तो अगर उन चीजों को लाया जाए जैसे एविडेंस के रूप में, क्राइम मोटिव के आधार पर होता है, उसका मोटिव साफ साफ है कि ये गन हमको चाहिए, कृष्णानंद राय को मारना है किसी भी कीमत पे, तो ये मोटिव तो पर्याप्त है सजा देने के लिए। और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस था, व्यक्ति को गवाहों को धरा धमका के बयान बदलवा सकते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड होके रखा हुआ है परिस्थिति जन साक्ष्य जिसको बोलते हैं, उसको तो नहीं आप बदल सकते हैं, और वो पड़ा हुआ है जिटी, बस एक लाइन में लिख दिया कि साहब हम मुख्तार इसलिए बात कर रहे थे हम कि उसको पुलिस से पकड़वाना था। अरे भाई तुम किसको मजाक समझ रहे हो, पूरा मोटिव तुम्हारा एक्सप्लेन उसमें हो रहा है कि तुम उनको मारने के लिए चाहते थे, तो तुम्हारे एक लाइन कहने से हो जाएगा। तो उस केस को अगर वो रीओपन करें, न्यायालय में होता है कि केस चला जाता है, अगर नए साक्ष्य आते हैं तो पुलिस फिर इसको रीओपन करा सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने एक्सपर्ट्स को, लीगल जो लोग हैं इसके ऑफिसर्स हैं, उनसे ओपिनियन लेके उस केस में फिर से जो फैक्ट आए उसमें ये एक्विटल जो हो गया फिर से सजा पा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपको लगता है कि जिस केस में पोटा लगा था लाइट मशीन गन रिकवरी वाले में, उसमें अभी भी पोटेंशियल है कि वो मामला दोबारा से खोला जाए, क्योंकि वो महज एक आर्म्स एक्ट तक सीमित रह गया? हाँ बिल्कुल, अगर आप उसकी गंभीरता लीजिए, सेना का लाइट मशीन गन था, जम्मू कश्मीर सेंसिटिव क्षेत्र से आया था, पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, पोटा स्टेट का तो नहीं था, सेंटर ने लगाया था, स्टेट ने भी परमिशन दी थी, तो जिस समय पकड़ा गया उस समय तो एग्जिस्ट कर रहा था ना। तो जिस समय अपराध होता है उस समय जो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उस आधार पे कार्रवाई होती है। अब मुलायम सिंह कह रहे हैं कि नहीं हम पोटा को परमिशन नहीं दे रहे हैं या हम हटा दे रहे हैं, तो बैक डेट में तो आप हटाओगे नहीं, उस घटना के बाद ही हटाओगे, तो घटना के समय तो था वो, तो ये हटा कैसे फिर? इन्होंने परमिशन ही नहीं दी पोटा लगाने की, सिंपल, वो भी टेक्निकली गलत है सब, जबकि पोटा लगा है, लगा है, पोटा कानून एग्जिस्ट कर रहा है, सेंटर कानून है, आपके बोल देने से क्या हो जाएगा? आपने जो उत्तर प्रदेश सरकार रही होगी उस समय उसने मान्यता दी है उसको, और जब आप खत्म भी करोगे तो उसका एक प्रोसीजर है, उस तरह से खत्म करोगे, उस डेट में तो नहीं खत्म कर सकते जिस समय घटना हुई थी। तो घटना तो जब हो गई, पोटा है तो पोटा के अंदर ही डील होना चाहिए और इस केस को उठाना चाहिए जो भी पुलिस है या
अभियोजन के अधिकारी हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं, उन लोग को उठाना चाहिए, शासन सरकार को भी देखना चाहिए, माननीय योगी जी को स्वयं इस चीज को सुपरवाइज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे शैलेंद्र सिंह, पुरानी बातें याद की तब जब मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा गैंगस्टर एक्ट में हुई, लेकिन पोटा में मामला दर्ज हुआ था और पोटा नहीं चल सका। जिस LMG को कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने खरीदने के लिए मंगाया था, वो LMG शैलेंद्र सिंह और उनकी टीम ने रिकवर किया था, और आज भी इन्हें लगता है कि उस मामले में भी दम है और उस मामले को दोबारा से रीओपन किया जा सकता है।